कांस्टेंट लैम्डा, जिसे बोला था क्या? डीके कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, डिपेंड करता है रेडियो एक्टिव मटेरियल पर, रेडियो एक्टिव स्पीसीज पर डिपेंड करता है। आज हम इसे डिफाइन करेंगे, आज इसे डिफाइन करेंगे कि ये लैम्डा है क्या, कितना है ये, क्या है ये लैम्डा, कितना है ये लैम्डा। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। शुरुआत करते हैं, इसकी इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन हमें फाइंड करनी पड़ेगी। एट टाइम इक्वल जीरो, नंबर ऑफ अनडिकेड अनडिकेड एटम्स कितने हैं, एन नॉट। एट टाइम इक्वल्स टी, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स एन रह गए, एन नॉट में से एन रह गए, ठीक है। एंड एट टाइम टी प्लस डी टी, टी प्लस डी टी, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स इस एन में से थोड़े से एटम्स और डिके हो गए, तो बचे कितने, बचे कितने, एन माइनस डी एन। हेंस रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके आर इक्वल्स माइनस डी एन बाय डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनडिकेड एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम, ठीक है। फिर हम इसे लिखेंगे क्या, हेंस आर इक्वल्स माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स लैम्डा एन, लैम्डा एन, ठीक है। और डी एन बाई डी टी इक्वल्स माइनस लैम्डा एन, लैम्डा क्या है, लैम्डा इज डी के कांस्टेंट, लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, ठीक है। अब इस डीके कांस्टेंट, ये इस डीके कांस्टेंट को डिफाइन करना कि एक्चुअली है क्या, तो देखिएगा जरा, डी एन बाय एन इक्वल्स माइनस लैम्डा डी टी, इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड हम, तो यहां लिमिट्स क्या होंगी, नंबर ऑफ एटम्स कहां से कहां तक पहुंचे, एन नॉट से एन रह गए, कब तक, जब तक आपका टाइम पहुंचा है कहां से कहां तक, जीरो से टी तक। जब टाइम जीरो से टी हुआ, टाइम जीरो पर नंबर ऑफ एटम्स कितने, एन नॉट, टाइम टी पर नंबर ऑफ एटम्स कितने, एन, जब टाइम जीरो से एन नॉट हुआ, जब टाइम जीरो से एन नॉट हुआ तब तक आपके, जब सॉरी, जब तक टाइम टी से जीरो से टी तक पहुंचा तब तक नंबर ऑफ एटम्स कहां से कहां तक चेंज हो गए, एन नॉट से एन हो गए चेंज। तो दोनों साइड हमने प्रॉपर लिमिट्स लगाई, इधर नंबर ऑफ एटम्स की लगे लिमिट लगाई, इधर टाइम की लिमिट लगाई, तो क्या बनेगा देखना जरा, ये बन जाएगा आपका क्या, लॉग बेस ई एन फ्रॉम एन नॉट टू एन, लैम्डा इसमें से बाहर आ गया, क्या बना, टी कहां से कहां तक, जीरो टू टी। लिमिट्स हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या बना, लॉग बेस ई एन माइनस लॉग बेस ई एन नॉट इक्वल्स माइनस लैम्डा टी माइनस जीरो। मैं इस माइनस को खत्म कर लूं तो इधर से चेंज हो जाएगा क्या, लॉग बेस ई एन नॉट माइनस लॉग बेस ई एन इज इक्वल्स टू लैम्डा टी,
लॉग बेस ई एन नॉट बाय एन इक्वल्स लैम्डा टी। ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इस पूरी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लूं तो ई ई टू द पावर लैम्डा टी। मैंने शायद माइनस को लेकर गलत कर दिया यहां। मैंने शायद मिस्टेक कर ली। चलो देखते हैं। लैम्डा टी इक्वल्स क्या बनेगा बोलो? इक्वल्स एन नॉट बाय एन। ठीक है, अब यहां से मैं एन ले लूं। एन इक्वल्स एन नॉट बाय ई टू द पावर लैम्डा टी। ई टू द पावर लैम्डा टी सही है, सब कुछ ठीक है। ये इक्वेशन बनी और यहीं से हम फाइंड करेंगे, यहीं से हम डिफाइन करेंगे किसे। आज तो पेन की भी ठंड लग रही है, चलने को तैयार नहीं। यहीं से हम इस लैम्डा को डिफाइन करेंगे। क्या है देखिए, इफ लैम्डा इक्वल्स 1/t, लैम्डा इक्वल्स 1/t। अभी डिफाइन करेंगे, भी आपको ऐसा लग रहा है क्यों क्यों ले लिया इसे। तो यहां जब मैं लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दूंगा 1/t तो क्या बन जाएगा आपका, एन इक्वल्स एन नॉट बाय ई। यहां से अब यही डेफिनेशन निकल कर आई लैम्डा की। तो लैम्डा क्या है? लैम्डा है रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? टाइम का रेसिप्रोकल। कौन सा टाइम? जिस टाइम में नंबर ऑफ एटम अनडिकेड एन नॉट से रिड्यूस होकर एन नॉट बाय ई रह जाए। लैम्डा इज इक्वल टू है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। कौन सा टाइम? जिस टाइम में नंबर ऑफ एटम अनडिकेड रिड्यूस होकर एन नॉट से एन नॉट बाय ई रह जाए। डीके कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच द नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड रिड्यूस्ड टू एन नॉट बाय ई। डीके कॉन्स्टेंट इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। विच टाइम? द टाइम इन विच द नंबर ऑफ एटम अनडिकेड आर रिड्यूस्ड टू एन नॉट बाय ई, या ओरिजिनल 1/e टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। डीके कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम इन विच द नंबर ऑफ एटम्स आर रिड्यूस्ड टू 1/e टाइम्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स।